एमपी के मुरैना में जहरीली शराब से एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया है। वहीं शिवपुरी के पोहरी तहसील में कार्रवाई करते हुए यहां पर सत्ताधारी लोग ही अवैध शराब के व्यापार में लिप्त हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए पोहरी से भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष ललिता राजे के घर के आंगन से शराब के भरे मटके और टंकियां जब्त की हैं। ये सब आंगन में गाड़कर छिपाई गई थी। आबकारी और पुलिस ने जब मिलकर छापा मारा तो हैरान रह गए और शराब के भरे बर्तन निकलने लगे। पुलिस ललिता राजे के कुछ और ठिकानों पर भी छापेमारी कार्रवाई कर रही है। मामले में पुलिस का कहना है कि आबकारी और पुलिस ने मिलकर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 150 लीटर पोहरी और 200 लीटर बैराड़ थाने से अवैध शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 2000 लीटर लहान भी जब्त किया है। इसके साथ ही 5 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पोहरी SDOP निरंजन सिंह राजपूत ने मामले में जानकारी दी। सर, जो पोहरी और बैराड़ में संयुक्त जो कार्रवाई हुई है, कितनी कार्रवाई हुई है, कितने लोग? आज पोहरी सब डिवीज़न और आबकारी दोनों ने संयुक्त टीम बनाकर जो अवैध शराब है उसके खिलाफ छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें पोहरी में करीब 150 लीटर शराब और बैराड़ थाने में करीब 200 लीटर शराब अवैध शराब पकड़ी गई और करीब 2000 लीटर 2 से 3 हज़ार लीटर के करीब लहान फैलाया गया है। इसमें कुल मिलाकर 5 लोगों के खिलाफ 34(2) की हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। सागर TV न्यूज़ के लिए शिवपुरी से राकेश भोज की रिपोर्ट।